मंडी जिला में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए चलाए गए हिम सुरक्षा अभियान को बल देने के लिए जिला प्रशासन ने एक और अहम कदम उठाया है। अभियान के तहत प्रशासन कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने के लिए जिला के सभी पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से विशेष सैंपल एकत्रण कैंप लगाने जा रहा है। ये जानकारी उपायुक्त ऋत्विक ठाकुर ने दी। उपायुक्त ऋत्विक ठाकुर ने कहा कि जिला प्रशासन का विशेष ध्यान कोरोना टेस्टिंग बढ़ाकर रोग का जल्द पता लगाने पर है। हिम सुरक्षा अभियान के तहत शहरों के बाद अब पंचायत स्तर पर कोरोना जांच के लिए सैंपल लेने को विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। इसे लेकर जिले के सभी 11 स्वास्थ्य खंडों के लिए विस्तृत कार्य योजना बनाई गई है। हर पंचायत को कवर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की विशेष टीमें गठित की गई हैं। मंडी उपायुक्त ने लोगों से आग्रह किया कि वे इन विशेष कैंप में आकर कोरोना टेस्ट करवाएं ताकि समय पर इलाज से किसी भी प्रकार के खतरे को टाला जा सके। कोरोना के लक्षण वालों के अलावा लोग स्वेच्छा से टेस्ट करवाने को आगे आए ताकि कोरोना संक्रमण और वायरस के फैलने के खतरे को खत्म किया जा सके। 14 दिसंबर और 15 दिसंबर को हिम सुरक्षा अभियान के तहत पंचायत स्तर पर सैंपल एकत्रण कैंप लगाने के लिए शेड्यूल बनाया गया है। जिला की हर पंचायत को चरणबद्ध तरीके से कवर किया जा रहा है। जिला मंडी में कोरोना वायरस को जल्दी आइडेंटिफाई करने के लिए, जितने भी लोग संक्रमित हैं उनको जल्दी आइडेंटिफाई करने के लिए हमने जगह जगह पर लोगों के घर द्वार पर कैंप लगाने का फैसला लिया है। पिछले वीकेंड को हमारे कैंप्स शहर में लगे थे, मंडी, सुंदरनगर, नेर चौक में, और आने वाले दिनों में हमने सभी BMOs को टारगेट दिया है कि वो अलग अलग पंचायतों में कैंप लगाएंगे। ये पूरा जिले की जितनी भी पंचायतें हैं, जितनी भी अर्बन बॉडीज हैं, सारे को कवर किया जाएगा आने वाले समय में, और उसके लिए एक शेड्यूल जारी किया जाएगा BMOs के माध्यम से, ताकि लोगों को पहले ही पता चले कि उनके एरिया में कैंप कहाँ पर लग रहा है। इसमें विशेषता जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं, इसके साथ ही कुछ हाई रिस्क पेशेंट्स हैं हमारे, जिनको कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, इसके अलावा और भी लोग हैं जिनको कोई लक्षण है, इन सब का जो है वो वहाँ पर जाँच की जाएगी इसकी कोविड की, और ये रैपिड एंटीजन टेस्ट के माध्यम से की जाएगी, जिसका कि रिजल्ट वहीं पर लोगों को बताया जाएगा, और अगर कोई पॉजिटिव पाता है तो उसके साथ ही उसको दवाई भी वहाँ पर दी जाएगी और हमारी देखरेख में रहेंगे, ताकि वो घर पे ही रहेंगे, देखरेख में रहेंगे, ज़रूरत पड़ने पे और इंटरवेंशन की अगर ज़रूरत पड़ेगी, अगर उनको नेहर चौक मेडिकल कॉलेज शिफ्ट करना है या जो हमारा DCHC हमने सुंदरनगर में एक्टिवेट किया है वहाँ पर शिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ी, तो वहाँ पर हमारी देखरेख में हमको शिफ्ट कर पाएंगे। ये सारी प्रक्रिया इसलिए की जा रही है कि हम अर्ली आइडेंटिफिकेशन कर पाए, जो हमारा जिला मंडी में लक्ष्य है कि जितने भी लोग संक्रमित है जितना जल्दी हमें पता चले, जितना जल्दी उनको पता चले, जितना जल्दी हमें पता चले, उतना बेटर है कि हम उनको ट्रीट कर सकते हैं, उनको ऑक्सीजन दे सकते हैं, बाकी मेडिसिन दे सकते हैं, ताकि वो रिकवर करें। और ये पाया गया है कि जिनका भी अर्ली आइडेंटिफिकेशन हुआ है वो ठीक होके, स्वस्थ होके अपने घर वापस गए हैं। पूरे जिला में हम चलाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि इस पूरे हिम सुरक्षा अभियान का जो 27 दिसंबर तक है, तब तक हम ये पूरा जिला कवर कर पाएंगे। मेरा आपके माध्यम से लोगों से अपील है कि जो जिनको तो हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग कह रहे हैं कि भी उन्होंने टेस्ट देने हैं, वो लोग तो टेस्ट देने आएंगे आएंगे, इसके अलावा और भी लोग हैं वो भी स्वेच्छा से वहाँ पर आए और अपनी कोरोना की टेस्ट से अपनी जांच करवाएं, जिससे कि हमें भी आइडिया लग पाएगा कि एक पंचायत में कितना भी फैला है, कितने की संक्रमित लोग हैं, कितनी संभावना है, ताकि हमारा जो इंटरवेंशन है, कोई और करेक्टिव मेजर्स है, वो हम टारगेट कर पाएं, क्योंकि जिला बहुत बड़ा है, कहीं पर हमें टारगेट करने की आवश्यकता है, तो हमें इससे डेटा मिल रहा है कि अगर उस पंचायत में हम वहाँ पर और इंटरवेंशन करने की आवश्यकता है, कुछ रिस्ट्रिक्शन करने की आवश्यकता है, ज़्यादा टेस्टिंग की आवश्यकता है, ताकि हम सभी जो केसेस हैं वो उनको अर्ली आइडेंटिफाई कर पाएं। कोशिश हमारी यही है, जो लक्ष्य हमारा है कि कम से कम लोगों की जान इस बीमारी की वजह से जाए, और उसके लिए सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि हम अर्ली आइडेंटिफिकेशन कर पाएँ, सब जितने जल्दी हमें पता चले कि लोग संक्रमित हैं उतना हमारे लिए आसान रहता है, मेडिकल डिपार्टमेंट के लिए आसान रहता है कि उनको ट्रीटमेंट पे दें और वो ठीक होके अपना जीवन जो है वो आगे बढ़ाते हैं।